हेलो चार्टर्ड। सो ये है आपका लेक्चर 8, लेक्चर नंबर 8, क्लास 8, जिसमें हम देखने वाले हैं आपका अगला कॉन्सेप्ट। यस, एंगेजमेंट लेटर साइंड। यस, सो इससे पहले हम 6th क्लास में आपकी कवर कर चुके हैं ये वाला पार्ट, जो हमने लिंक किया था कौन से एस से, एस से 220 से एंड एस क्यू सी 1 से। यस, ये दो हमने स्टैंडर्ड इससे लिंक किए थे। एंड एक बात बताओ मुझे, क्या इन दोनों स्टैंडर्ड्स में बस इसी के बारे में डिस्कस किया गया? आंसर इज नो। यस, ये जो है वन ऑफ मेनी पार्ट्स है। हाँ, लेकिन ये क्योंकि हमारे चार्ट में यहाँ पे फिट हो जाता है, तो हमने इसको सबसे पहले पढ़ लिया। बट दिस इज जस्ट वन ऑफ मेनी थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड इन दीज टू स्टैंडर्ड्स। यस, सो ये हमने देखा, इसका 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 इससे लिंकेज था। देन प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट हमने देखा था ये क्लास 7 में। हाँ, एंड ये आपका फॉल होता है, शायद मैं उस क्लास में नहीं बताया, अब नोट कर लीजिए, ये आपका फॉल होता है SA 210 में। SA 210 जिसका नाम है एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब जो आपका अगला टॉपिक है, अच्छा, इन दोनों के नोट्स भी आपको मैंने पिछली क्लास में ही साथ साथ दिखाए थे। ये हैं इसके नोट्स, थोड़ा सा मैंने क्लीन करके इसको यहाँ पे आपके लिए रखा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। एंड इन केस आपको नोट्स का इशू आ रहा है ना, नोट्स को कॉपी करने का इशू आ रहा है, कुछ भी है, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, एंड उसके बेसिस पे आई विल डू समथिंग इन केस इशू आ रहा है तो। इन केस इशू नहीं आ रहा है देन प्लीज यूज दिस, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये है आपका प्री कंडीशंस पे। हाँ, इसमें हमने क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे सेम वे में। अब हम देखने वाले हैं आपके लेक्चर 8 में ये वाला पार्ट। अब सबसे पहले ही यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ कि कौन से SA में फॉल करता है। ये आपका SA 210 में ही फॉल करता है। यस, सो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो है बेसिकली क्या है कि भाई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए मैं किन किन कंडीशंस को या टर्म्स को मान के चलूंगा, इन टर्म्स को मैं आपसे डिस्कस करके चलूंगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन टर्म्स को लेके। यस, सो वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी गिवन है, प्री कंडीशंस में भी हमने देखा था, इसमें दो प्री कंडीशंस आती थी जिसमें आगे जाके मल्टीपल लेवल पे डिविजन हो जाता था, आगे और भी मतलब इसमें पार्ट्स बन जाते थे। सेम वे में एंगेजमेंट लेटर जो आपका होता है वो होता क्या है? बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आप क्या लिखते हो? टर्म्स ही तो लिखते हो ना, अपने अपने इस कंसाइनमेंट की, अपने इस एंगेजमेंट की, असाइनमेंट की टर्म्स ही तो लिखते हो। सो जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो इसी से लिंक्ड है। सो SA 210 में ही ये कॉन्सेप्ट भी फॉल होता है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। सो टोटल मिला के तीन चीजें हैं जो हम यहां देखने वाले हैं, ठीक है। पहले आपका होगा कुछ एक बातें। यस, उसने बोला कि इन चीजों को मान के चलो कि ये चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छा है आपके एंगेजमेंट के लिए। वो क्या क्या है सबसे पहले वही बताता हूं। सो वो कहता है कि आपका ये जो एंगेजमेंट लेटर है, ये जो एग्रीमेंट है, इट शुड बी, दिस एग्रीमेंट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि भाई साहब इसको लिख लो। हाँ, ये जो है वर्बल होना चाहिए? नहीं, ये कहता है वर्बल जो है आपको बाद में काम नहीं आएगा, ये जो है किस में होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। हाँ, मेक सेंस। यस, ऑब्वियसली इसका कॉज भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक और बात जो ये कहता है, वो कहता है कि ऑडिटर जो है एंड क्लाइंट जो है, दे शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट इस एंगेजमेंट की नेचर के साथ ये जो दोनों हैं क्लियर होने चाहिए, उसको लेके कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। यस, कोई एम्बिग्यूटी अगर होगी तो बाद में इशू आ जाएगा। सो उस इशू को भी सॉल्व करके चलो। एंड ये सब क्यों चाहिए? ये सब इसलिए चाहिए बच्चा, दिस वे, बिकॉज दिस वे बोथ द पार्टीज
parties will avoid any ambiguity. Ambiguity. पढ़ते हो ना आप लॉ में? लॉ में कभी कभी लैंग्वेज जो है वो ढंग से नहीं लिख पाते, सोच नहीं पाते, वो इतना बड़ा विजन के साथ नहीं लिख पाते, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, प्रोविजन में एम्बिग्यूटी आ जाती है. टैक्स पेयर जो होता है वो किसी अपने हिसाब से करता है उसको इंटरप्रेट, एंड जो लॉ मेकर होता है वो अपने हिसाब से, एंड जो टैक्स कलेक्टर होता है वो अपने हिसाब से, सो उसकी वजह से एम्बिग्यूटी आ जाती है. तो जब आप लिखित में करोगे तो उसकी चांसेस ऑफ एम्बिग्यूटी जो है वो कम हो जाते हैं, एंड any misunderstanding. Yes, simple, साफ शब्द. ठीक है, सो एक बात जो आपका एसे कहता है अबाउट दिस एंगेजमेंट लेटर वो ये है. यस, इसमें मेन कीवर्ड्स क्या होगा, एक तो लिखित में होना चाहिए, एक जो है उसके जो दोनों है वो क्लियर होने चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट. इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अवॉइड होंगे ये दोनों. फाइन, एंड सेकेंड बात क्या लिखता है, सेकेंड बात वो डिस्कस करता है अबाउट टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर. अभी मैं आपको मेन मेन लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, जब इस एसे पे आएंगे, ऐसे 210 पे हम वापस आएंगे, यस, तब आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं पहले से ही आते होंगे, एंड उस समय बस जो एडिशनल कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स बच जाएंगे हम बस वो निकालने वाले हैं. अभी सेकंड पे आते हैं, सेकंड मेन बात क्या कहता है, ये कहता है टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट क्या क्या होंगी, टर्म्स ऑफ दिस ऑडिट एंगेजमेंट वो क्या क्या होंगी. सो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में इसने कहा छह चीज़ें कंपलसरी हैं, छह चीज़ें आप लिखोगे पक्के पक्के तरीके से. क्या है वो, सबसे पहली चीज़ इसने बोली ऑब्जेक्टिव लिखोगे, किसका, एंगेजमेंट का. ओके, आएंगे डिस्कशन पे आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. सेकंड पे आते हैं, सेकंड वो लिखता है स्कोप लिखोगे ऑफ एंगेजमेंट. यस, थर्ड वो बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑफ ऑडिटर. यस, एंड चौथा वो लिखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसी में लिख दो. अगली बात वो बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF. छठी बात वो बोलता है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. आ जाओ इंडिविजुअली सबको डिस्कस करते हैं, आ जाओ. सो सबसे पहले वो लिखता है ऑब्जेक्टिव. देखो यार, सीधी सी बात है, जब भी तुम कोई काम चालू करते हो सबसे पहले तुमको ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर होना चाहिए. हाँ, तुम सीए करने आए हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. कोई कहेगा मुझे पैसा कमाना है, कोई कहेगा मुझे फाइनेंस का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि हाँ मतलब इसमें जो है एक इज्जत मिलती है, कोई कहेगा कि मेरे फादर जो है वो सीए हैं सो उस वजह से मैं भी सीए बनना चाहता हूँ, मैं उनका जाके आगे ऑफिस संभालूंगा, एंड सो मैनी थिंग्स. आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से आप आए हो. सो ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक अबाउट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग. सो वो ही यहाँ पे भी है. यहाँ पे भी जब आप इस एंगेजमेंट लेटर को लिखोगे तो सबसे पहले भाई साहब ऑब्जेक्टिव लिखो कि क्या है ये एंगेजमेंट, किस लिए है. सेकेंड आपका आता है स्कोप. स्कोप इज क्या, स्कोप जो है एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, नहीं. स्कोप इज अ डिफरेंट थिंग, ऑब्जेक्टिव इज अ डिफरेंट थिंग. स्कोप किस एंगल से बात करता है, देखो क्या होता है, मुझे मिला बैंक का ऑडिट. हाँ, क्या, कौन से बैंक का ऑडिट मिला, मुझे मिला ICICI का ऑडिट. हाँ, मुझे ICICI का ऑडिट मिला. अब क्या हो सकता है, मेरा स्कोप या तो हो सकता है फुल बैंक, हाँ क्या पता फुल बैंक ही मेरे स्कोप में हो, या फिर हो सकता है क्या पता मुझे केवल एक ब्रांच का ऑडिट मिला हो. हाँ, ऐसा क्या पता ना हो कि मुझे फुल बैंक मिला हो. सो भाई साहब ऐसे कंपनीज में भी हो सकता है, क्या पता मुझे कंसोलिडेटेड लेवल पे फुल फ्लेज
फुल फ्लेज ग्रुप ऑफ कंपनीज का मिल गया हो, क्या पता मुझे केवल एक एंटिटी का मिला हो उसमें से, क्या पता उस एंटिटी में भी केवल एक पार्ट का मिला हो. सो मुझे स्कोप, मतलब कि मुझे उसमें क्या काम करना है, किस लेवल पे काम करना है, वो तो पता होना चाहिए. यस, सो स्कोप भी लिखना इंपॉर्टेंट है. अगला पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसकी? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसकी? उसकी. ऑब्वियस ही बात है, अपनी भी लिखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की. भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको ऑडिट रिपोर्ट देना है जिसमें हम अपनी ओपिनियन बताएंगे. यस, एंड हम अपना जो काम है वो एस एज के हिसाब से करेंगे. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप इसमें बेसिकली जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखते हो तो स्पेसिफिकली जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप अवॉइड कर देते हो. जैसे कि अब हमारा काम नहीं है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपाइल करना, वो हमारा काम यहाँ पे नहीं है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे तो वो चीज़ें साफ़ हो जाएंगी. ऐसे जब आपने लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, सो आपने प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पड़ी थी एंड उसके अलावा भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती है वो सब आप यहाँ पे लिख दो एज टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट. सीधा सीधा एग्रीमेंट में डिफाइन हो गया तो आगे जाके कोई स्यापा नहीं होगा. अगले पॉइंट पे आते हैं, पांचवे पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF. बहुत बढ़िया बात लिखी है इसने, बहुत बढ़िया बात. देखो सिंपल सी बात है, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक प्री कंडीशन था, यहाँ था कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि वो एप्लीकेबल होना चाहिए. यस, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी उठा के लगा दिया. सो आपका जो भी एप्लीकेबल FRF है उस पर आगे जाके भी कोई डिस्प्यूट ना हो कि आपको कौन सा अप्लाई होता कौन सा नहीं होता. सो आप भाई साहब यहीं पे एग्रीमेंट में उसको आइडेंटिफाई कर लो. उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, आगे जाके आपके डिस्प्यूट रिगार्डिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो खत्म हो जाएगा. यस, यहीं पे आपने डिफाइन कर दिया कि इसके हिसाब से भाई साहब ये ऑडिट. यस, ऐसे ही क्या होता है, पता है क्या होता है, कभी कभी आपका जो ऑडिट होता है, जो भी आपकी MNCs होती हैं, उनका मल्टी लेवल पे होता है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक तो उनके बनते हैं IFRS बेसिस पे, कभी उनके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी बनते हैं NDAs के बेसिस पे. इन्फोसिस का एग्जांपल है ये. यस, इन्फोसिस का एग्जांपल है. सो उनके बुक्स IFRS बेसिस पे भी बनते हैं, उनके बुक्स NDAs के बेसिस पे भी बनते हैं. सो आप जिस बेसिस पे उसको ऑडिट करना चाहते हो, क्या पता आपको केवल NDAs के हिसाब से मिला हो, सो आप NDAs का वहाँ पे आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लिख दो जिससे बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो. यस, ये होगी बड़े लेवल की बात. यस, ये भी आपको पता चलेगा आगे जाके जब आप आओगे SA 700 पे. हाँ, मैं नहीं बता रहा अभी SA 700 क्या है, ठीक है, बाद में बताऊंगा. आगे आ जाओ. अगला पॉइंट आता है रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. ये क्या स्यापा है भाई, यहीं पे डिफाइन कर दो कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऐसी दिखने वाली है, इसके हिसाब से दिखाएंगे. क्या होता है, देखो आप जो है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो है उसका फॉर्म एंड कंटेंट भी आपके SAs में स्पेसिफाइड है. कौन से वाले में? SA 700 की जो सीरीज है ना, उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं. हाँ, ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट जो है आपको SA 700 में मिलेगा. यस, एंड उसको मॉडिफाई किया जाएगा अलग अलग बाकी SAs में. सो आपका फॉर्म एंड कंटेंट पहले से आपके SAs में डिफाइंड है. हाँ, सो भाई साहब आप उसी के हिसाब से बना के चलोगे. हाँ, तो आगे जाके मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए कि मैं अपने हिसाब से तो मैं बना रहा हूँ SA 700 के हिसाब से, लेकिन जब मैंने इसको मैनेजमेंट को दिखाया उसने कहा नहीं आपको इस हिसाब से नहीं लिखना, आपको हमारे हिसाब से लिखना है, आप हमारी कंपनी ऑडिट करने आए हो तो आप जो है रिपोर्ट को ऐसे ऐसे लिखो जिससे आगे जाके वो सब पंगा ना हो. तो मैं उसको एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट जो है यहीं पर बता के चलूँगा. आगे से आपका ख़त्म. यस, समझ आया. सो ये 6 पॉइंट है जो आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में आप पक्के से कवर करके चलते हो, उनको निकाल के चलते हो. अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं. देखो इसी लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं. लास्ट वाले पॉइंट में हमने क्या देखा, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट. देखो सीधी सीधी बात है, आपके फॉर्म एंड कंटेंट 6 टाइप के होते हैं. ओपिनियन कितने टाइप्स की होती है मुझे बताओ? 4 टाइप की देखी थी. फॉर्म एंड कंटेंट मैंने क्या बोला, 6 टाइप के. अगर 6 टाइप के बोला तो गलत बोला है, 4 टाइप के आएंगे. यस, सो ओपिनियन आपकी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की. हाँ, एक होती थी आपकी, याद है तो साथ साथ बोलो, नहीं है तो याद करो नलायकों साथ साथ में. एंड इससे पहले वाले लेक्चर्स में पहले ही कवर हो चुका है. सो ध्यान से देखो, ध्यान से साथ साथ बोलते जाओ जिस जिसको याद है. एक था आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन,
एक था आपका क्वालिफाइड ओपिनियन, एक था आपका एडवर्स ओपिनियन, एंड एक था आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। याद आया कुछ? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या था? कि सब कुछ सही है। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या था? सब कुछ सही है एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। एंड एडवर्स ओपिनियन क्या था? कुछ भी सही नहीं है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या था? भाई मुझे नहीं पता। यस, ये थी आपकी अलग अलग टाइप की ओपिनियन। इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट जो होता है ना, वो ये वाला होता है, ये वाला। इसी का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट हो सकता है, सॉरी, इसी का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट होता है जो आप यहां देते हो। बिकॉज आप यहां पे इस वक्त जो है ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट देते हो, ये मान के कि हम जो है आपको, हमारे हमको जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां नहीं मिलेंगी। एंड इन केस मिलेंगी भी, तो आप उसको सही कर दोगे। जब आप सही कर दोगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो कोई गलतियां बचेंगी उसमें। तो उसके केस में हम क्या देंगे? अनक्वालिफाइड। तो आप इसमें एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट जो है वो किसका देते हो? अनक्वालिफाइड ओपिनियन का देते हो बच्चा। यस। अब क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट बेसिकली चेंज भी हो सकता है ना, इसमें चेंज भी हो सकता है। क्या पता आपको क्वालिफाइड देना हो जाए, क्या पता आपको एडवर्स देना पड़ जाए, क्या पता आपको डिस्क्लेमर देना पड़ जाए। आप ये जो छठा पॉइंट है ना, छठे पॉइंट के साथ आप एक लाइन ऐड कर देते हो, ये इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे ये वापस से बनाता हूँ मैं, या यहाँ पे कंटिन्यू करोगे और नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे इसके? आप लिखोगे एंड, इसके साथ कंटिन्यू करके, एंड स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस, दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस वेयर इट शेल डिफर। इट शेल का मतलब क्या है? वेयर द, वेयर द फॉर्म एंड कंटेंट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट गिवन अबव, ठीक है? यस, क्योंकि आपका ये जो एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट है वो चेंज हो सकता है इनटू दिस, दैट्स व्हाई यू गेव दिस लाइन। आई होप इट मेक सेंस। अब बच्चा होता क्या है, देखो, आपको लगेगा सर मैं क्या है, अगर ये 6 पॉइंट लिख के आ जाऊंगा तो क्या बात नहीं बन जाएगी? शुड आई मेंशन दिस और नॉट? आपको पता है आईसीएआई ने इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जाम में। यस, इसी लाइन को उठा के, इस लाइन का इंपॉर्टेंस इतना है, इसी वजह से मैंने आपको इस पे इतना टाइम लगा कि ये पॉइंट समझाया कि ये जो है यहाँ पे इसके साथ ये स्टेटमेंट क्यों लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आया। अब इसी से एक और बात बताता हूँ, जिस जिसने वो ओपिनियन वाला लेक्चर देखा है जहाँ पे मैंने ओपिनियन का आपको एक बेसिक बताया था, आई गेस वो था आपका लेक्चर नंबर 3। उसमें मैंने जब ओपिनियन के आपको टाइप्स बताए थे, साथ साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको इसको हम कहते हैं, चेंज द कलर, इसको हम कहते हैं अन मॉडिफाइड ओपिनियन। यस, एंड इन सब को हम कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। एंड मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि इसका मैं लॉजिक आपको जब SA 210 पे आऊँगा तब बता के चलूँगा। आ गया आपका SA 210। यहाँ पे जब मैंने आपको ये समझाया, इसी के बेसिस पे आपका ये बना है पॉइंट। यस,
आप जो उसको एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट देते हो, जब आप एक्चुअल में वही ओपिनियन देते हो, आपने एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या दिया था, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, आपने वही ओपिनियन एक्चुअल में भी दी आगे जाके ऑडिट के बेसिस पे, तो आपने क्या अपनी ओपिनियन को यहाँ पे जो दिया था एक्सपेक्टेड उसको मॉडिफाई किया? आंसर इज नो. तभी इसको क्या बोला जाता है, तभी इसको बोला जाता है भाई साहब अनमॉडिफाइड ओपिनियन. यस, तब इसको बोला जाता है मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन. एंड जब आप एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट को चेंज करके इसमें बदल लेते हो, इसमें बदल लेते हो, तो वो क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है. सो तभी इसको बोला जाता है इन तीनों को मॉडिफाइड ओपिनियन. समझ आया लॉजिक? आई होप सो. चलते हैं आगे. सो ये था आपका सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है आपके इस चीज को लेके, एंगेजमेंट लेकर को लेके. फाइन, दो चीजें हो गई. थर्ड पे आते हैं क्विकली. थर्ड जो है चीज आपकी, मैं यहां लिखवाऊंगा, थर्ड आपकी चीज आती है इसमें, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है. सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सीधा सीधा पहले ही है. देखो, इज इट कंपल्सरी फॉर ऑडिटर टू सेंड एंगेजमेंट लेटर फॉर ईच पीरियड इन केस ऑफ RECURRING ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट? ये क्या होते हैं जो वापस आते हैं? यस, फर्स्ट ईयर आपका जब था तब तो नया नया था, जब वो सेकेंड ईयर आया तो क्या बन गया, तो ये बन गया, बिकॉज वो वापस आ गया, इसी वजह से उसको ये बुलाते हैं. समझ आया? ठीक है. अब ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है देखो, हुआ क्या, आपने एंगेजमेंट लेटर जो है आपने भेजा पहले साल, जब आपका पहला पहला साल था, आपने एंगेजमेंट लेटर उसको भेज दिया. ठीक है, एंगेजमेंट लेटर सेंट टू क्लाइंट. अब सेकेंड ईयर आया, आपका वही सेम काम होगा, अगले साल भी वही सेम असाइनमेंट है, तो क्या मैं उसको अब नया एंगेजमेंट लेटर भेजूं? क्वेश्चन क्या है, शुड आई बी सेंडिंग एंगेजमेंट लेटर अगेन? जवाब दो फटाफट से, पॉज कीजिए एंड जवाब दीजिए क्या आएगा. थिंक एंड आंसर. कुछ बच्चे बोलेंगे यस, कुछ बच्चे बोलेंगे नो. जिन्होंने यस बोला उनका लॉजिक होगा कि भाई साहब आपका हर साल नया होता है, हर साल नया होता है तो आपको एंगेजमेंट लेटर हर साल अलग भेजना चाहिए. यस, आपको हमेशा जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करनी चाहिए हर साल के लिए, एंड सो मेनी अदर लॉजिक्स. बट बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर इज नो. यहाँ पे ICAI ने जो जवाब दिया है, आपके जो एसे है, एसे कौन से वाला, अगेन ये भी किस में ही आता है, ये भी आता है आपका एसे 210 में, इससे पहले जो आपने टॉपिक्स पढ़े ये भी आता है 210 में, आपका ये टॉपिक भी आता है एसे 210 में. सो वो कहता है नो. आगे नो के आगे ये नहीं लिखता कि आपको भेजना नहीं है, मतलब कि खबरदार अगर तुमने भेजा, ऐसा नहीं बोलता हो. वो बोलता है कि नो, इट इज नॉट कंपल्सरी. हाँ, मतलब कि कंपल्शन नहीं है कि आपको भेजना ही भेजना है, आप चाहो तो भेज सकते हो. सो इन बिग फोर्स, इन ऑल द गुड फर्म्स, यू विल सी कि दिस इज अ प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होता कि वो एक बार भेज देते तो वापस से नहीं भेजते एंगेजमेंट लेटर. नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस इन बिग फोर्स और अदर बिग फर्म्स कि आप हमेशा हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर ही भेजते हो, चाहे कुछ हो जाए. ऑल दो इट इज नॉट कंपल्सरी एज पर द एस ए इज वॉट इज गिवन हेयर, ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी एक्सेप्ट, हा, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. हाँ, तो उसने बोला कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर
ये जो आगे सर्कमस्टांसेस मैं आपको बताऊंगा, इसमें से कोई भी आता है तो भाई साहब आपको भेजना पड़ेगा नया एंगेजमेंट लेटर। एंड वो क्या है सर्कमस्टांसेस वो मैं बताता हूँ। देखो आते हैं टोटल मिला के 8 सर्कमस्टांसेस, जिसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ उसको कुछ लगता है, आपको कुछ लगता है। एक हो सकती है कि आप खुद ही कुछ रिवाइज या स्पेशल टर्म्स डालना चाहते हो। हाँ आपने क्या किया, आपने सालों साल जो है आपने देखा कि आपको ये एक दो टर्म्स और ऐड करनी चाहिए थी जो आपने पहले नहीं की। इट्स ओके, पहले ऐड नहीं की तो क्या हुआ, अब कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लिखनी चाहिए, इससे मेरा इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड होता है। ये क्या, मैं क्या बोल गया ये सब? देखो मैं वापस से बताता हूँ क्या होता है। कभी कभी आप क्या हो, देखो ये जो टर्म्स हैं ये क्या होती हैं, ये आप अपहोल्ड कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, सो ये जो टर्म्स हैं बहुत सोच समझ के एक एक शब्द इनका लिखा जाता है। सो क्या होता है कभी कभी, अगर आपकी बहुत बड़ी फर्म है तो आपकी एक लीगल टीम अलग से बनी होती है, पता है आपको, लीगल टीम होती है आपकी जिसमें लॉयर्स बैठे होते हैं। एंड वो क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। यस, क्या हो सकता है किसी नए केस के बेसिस पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे तो ये जो ऑडिटर है इस पे केस हो गया था एंड इसकी लग गई क्योंकि इसने ये वाली टर्म नहीं ऐड की हुई थी अपने अपने एंगेजमेंट लेटर में। सो उसने उन सब सिचुएशंस को देखा आपकी जो लीगल टीम है एंड उसके बेसिस पे उसने क्या किया, उसने जनरल टर्म्स जो हैं आपके एंगेजमेंट लेटर की उसको चेंज कर दिया एंड उसको अपडेट करना चाहता है। सो दिस इज दैट, समझ आया आई होप सो। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो किस लिए बना हुआ है वो, पूछो मुझसे मैं जवाब दूंगा। आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपका आता है चेंज। सो मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ऑल दो टोटल पॉइंट कितने हैं 8। मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी, ऑब्जेक्टिव की एंड स्कोप की। सो आपको स्कोप की या ऑब्जेक्टिव की मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर किसको, क्लाइंट को या क्लाइंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ उसको लगता है कि इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप तो केवल किसका था, ब्रांच ऑडिट का था, ये तो फुल फ्लेज कंपनी के लिए लग गया, या फिर उसको लगता है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव ये थोड़ना था कि ये मुझे ओपिनियन देगा किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, इसका इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा उसके बेसिस पे ये मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें ठीक करूँगा, ओपिनियन देना इसका काम नहीं था, ही जस्ट हैड टू गिव मी अ रिपोर्ट जस्ट टू मी नॉट टू द शेयर होल्डर्स। यस, सो ऑब्जेक्टिव स्कोप पे बेसिकली अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कहीं पे भी तो आप वापस से एंगेजमेंट लेटर भेजोगे जिससे आप उन सब चीज़ों को साफ साफ बता सको कि भाई ये है ऑब्जेक्टिव, ये है स्कोप। आगे आते हैं, आपको कोई नई टर्म्स डालनी है तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एग्जाम्पल क्या है कि आपका जो लीगल टीम है वॉन्ट टू रिवाइज जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। एग्जाम्पल है बस, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आगे चेंज को लेके आपके आते हैं 6 पॉइंट। इसका मतलब 6 पॉइंट क्या है, चेंज किस किस चीज़ में। एक आपका हो सकता है क्या पता चेंज सीनियर मैनेजमेंट में, नए लोग आ गए, सुन के साथ वापस से बैठोगे, डिस्कस करोगे टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, उनको समझाओगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उनकी क्या है, ऑफ कोर्स तुमको नया वापस से भेजो। चेंज इन ओनरशिप, हाँ कंपनी के ओनर्स चेंज हो गए तो वापस से नया एंगेजमेंट लेकर भेजोगे जिससे उनके साथ बैठ के तुम बात भी कर सको। आगे नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, क्या हुआ कंपनी पहले थी एक डोमेन में, कंपनी पहले थी एक इंडस्ट्री में, अबे क्या लिख रहा हूँ मैं, गिव मी मिनट, वन इंडस्ट्री में, अब वो शिफ्ट हो गई 2 में, ठीक है, तो उसका नेचर चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया साइज, पहले थी कंपनी 100 करोड़ की, अब हो गई वो 1000 करोड़ की। ओके चेंज और कौन कौन से, चेंज किस में, आपके लॉ में, चेंज लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में, चेंज किस में,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में. बताता हूँ. इम्पेशेंट क्यों हो गए? बताऊंगा, सब बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में. आ जाओ, इस पे आते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका एग्जांपल आपका आता है सीधा सीधा कि आपके कंपनीज एक्ट में, आपके कंपनीज एक्ट में कोई चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिक्वायरमेंट. हाँ, तो वो आ गया लीगल रिक्वायरमेंट में चेंजेस. आगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंज आ गया, मतलब आपका पहले अप्लाई होता था मान लीजिए एएस, अब अप्लाई होता है एंड एएस. सो आपका एफआरएफ चेंज हो गया ना. हाँ, इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, नहीं देता, अदर्स है ना भाई, ठीक है. सो अदर्स में तो अपने हिसाब से बना लियो. अदर्स में क्या होगा, बस ये क्या है, ये है बचा कुचा पॉइंट. ये है तब जब, मतलब ये इसने किस लिए कवर किया हुआ है, इसलिए क्योंकि तुम आगे आगे आके कल को ये ना बोल सको कि हाँ ये भी तो एक चेंज था, अब बताओ. वो अदर्स में आ जाते हैं सबके सब चेंज, जो इन दोनों में फॉल नहीं होते. समझ आता है? तो ये 8 केसेस हैं जिसके केस में मुझे नया एंगेजमेंट लेटर को भेजना ही होगा. कौन कौन से केसेस हैं वापस से बता दो. मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या आपको खुद ही न्यू टर्म्स ऐड करना है, या फिर चेंज किस में, सीनियर मैनेजमेंट में, चेंज ओनरशिप में, या फिर चेंज नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस में, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स में, या फिर एफआरएफ में, या बाकी. समझ आता है? समझ आता है तो क्लास खत्म हो चुकी है. थैंक यू सो मच. बाय बाय.